हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका यूएसबी केबल ख़राब हो गया है और आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिसके द्वारा दोस्तों आप बिना किसी यूएसबी केबल के माध्यम से आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन कर दीजिए और दोस्तों अपने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, जिस तरह मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है और उसके बाद अपने लैपटॉप में वाईफाई ओपन करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। उसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल पर चले जाइए और दोस्तों आपको एक ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल पर आ जाइए और उसके बाद प्ले स्टोर के ऊपर चले जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा FTP सर्वर। ये देखिए दोस्तों, आपको ये फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा वाईफाई FTP सर्वर। दोस्तों आपको अपने मोबाइल में यही वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों ये 2 MB की फाइल है, बहुत छोटी सी फाइल है। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसको अपन ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका पहले मोबाइल का हॉटस्पॉट और ये आपके कंप्यूटर का वाईफाई पहले आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। उसी के बाद दोस्तों यहाँ स्टार्ट के ऊपर क्लिक हो पाएगा। तो पहले आप मोबाइल को और लैपटॉप को कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करिए। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो इसको हम परमिशन दे देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप ये करेंगे, आपको यहाँ पे सर्वर URL एक दिखने को मिलेगा। दोस्तों यही आपका यूज़ होगा। तो दोस्तों इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। अब दोस्तों आपको अपने लैपटॉप में आ जाना है, क्योंकि मोबाइल में हमने सेटिंग कर दी। अब दोस्तों आप अपने लैपटॉप पे आ जाइए। लैपटॉप में आने के बाद आप डिस PC के ऑप्शन पे चले जाइए। ये देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ डिस PC वाले ऑप्शन पे। दोस्तों आप यहाँ से सर्च करके के भी डिस PC वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों जो ये नीचे वाइट वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर माउस कहीं पर भी लाइए और माउस का राइट बटन दबा दीजिए। माउस का राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको एड आ नेटवर्क लोकेशन दिखने को मिलेगा। इसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करके चूज आ कस्टम नेटवर्क, आप उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों जो आप मैंने आपको सर्वर का URL दिखाया था, बस इसी को यहाँ पे टाइप करना है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने पहले ही एक बार कनेक्ट किया हुआ था इसलिए इसने मेरा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार पहली बार में यहाँ पर आपको टाइप करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसी तरह यहाँ पर टाइप करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। ये देखिए, और लास्ट में दोस्तों आपको फिनिश का आएगा, तो फिनिश के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप ये करेंगे, ये देखिए आपका फ़ोन और आपका ये लैपटॉप आपस में कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आप फोल्डर देख रहे हैं, ये मेरे मोबाइल का फोल्डर है। अब मैं यहाँ से किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकता हूँ और किसी भी कंप्यूटर में या लैपटॉप की फाइल को अपने मोबाइल पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने मोबाइल को और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये मोबाइल का एक फोल्डर नीचे दिख जाएगा। ये देखिए, जैसे मेरे में ये दिख रहा है, इसी तरह दोस्तों आप कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल को और लैपटॉप को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।